केसिंग भी वायरिंग करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से केसिंग को दीवार पे मारने से केसिंग 15 से 20 साल अच्छी तरीके से टिका रहे, दीवार से उखड़े ना और लटक ना जाए। और जो जो भाई लोग नया नया केसिंग भी वायरिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्पिल इलेक्ट्रिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों रूम में एंट्री लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कहां पर क्या पॉइंट देंगे या कौन सी बोर्ड देंगे। यहां पर एंट्री का लेफ्ट साइड का दीवार में यहां पर ट्यूबलाइट का पॉइंट देंगे, क्योंकि इसका अपोजिट साइड में हमारा बेड रहेगा, इसलिए इस साइड पर ट्यूबलाइट देने से हमारा चारों ओर अच्छी तरीके से ग्लो कर सकेगा। यहाँ फ्रंट के साइड के दीवार पे हमारा एसी लगा हुआ है, उसका ऑपरेटिंग स्विच या 2A स्विच हमारा फैन और लाइट का यहाँ पर होगा, जिसको हम बेड स्विच बोलते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो हमारा इस साइड का दीवार पे एसी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाइट देने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एसी का पावर प्लग रहेगा। और इस वॉल पे नाइट बल्ब या सिंपल LED बल्ब दे देंगे। और यहाँ पे एंट्री के राइट साइड में नाइट बल्ब, बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, ऑपरेटिंग का स्विच बोर्ड रहेगा। और ये स्विच बोर्ड एंट्री पे हाथ के सामने रखना चाहिए। और ये नीचे हम फुट लैंप दिए हैं, ये 4 मॉडल का फुट लैंप है। तो सबसे पहले हम एक धागा ले लेंगे कॉटन की, हमको इतना नहीं चाहिए, ये बहुत सारी है इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद धागा को कलर करेंगे ताकि हम दीवार पे कलर को मार सके। यहाँ पे हम पाउडर वाले कलर को यूज़ किए हैं, पानी वाला यूज नहीं किए हैं। पानी वाला कलर यूज़ करेंगे तो आपके हाथ भी कलर हो जाएगा और धागा जहाँ पर लगेगा या रखोगे यहाँ पर भी कलर हो जाता है। धागा पे और थोड़ी कलर लगाएंगे ताकि 2-3 बार दीवार पे मार सके। तो यहाँ पे बहुत सारी कलर लग चुके हैं, तो चलिए दीवार पे लगा के देखते हैं। यहाँ पर आप अपना मुताबिक हाइट पे लाइट, ट्यूबलाइट या नाइट बल्ब का पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन टॉप से 1.5 फीट या 2 फीट का डाउन में अच्छा होता है। यहाँ पर हम 1.5 फीट का डाउन में दे रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम धागा को पेरेक की मदद से जहाँ पर मार्क किए थे वहाँ पे मार लेंगे, ताकि हमको यहाँ पे पकड़ के रखना ना पड़े। यहाँ पर भी हम 1.5 फीट पे मार्क कर लेंगे, अप डाउन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा केसिंग अप डाउन बैठेगा। फिर धागा का और एक छोर को जहाँ पे मार्क किए थे वहाँ पे लगा के इस तरीके से खींच लेंगे, जैसे कि धागा की कलर दीवार पे अच्छी तरीके से आ सके। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कलर दीवार पे लग गया है। क्या बात है सर, क्या बात है। उस दीवार में जितने पे मार्क किए थे, जैसे कि 1.5 फीट पे मार्क किए थे, मतलब यहाँ पर भी 1.5 फीट पे मार्क कर लेंगे। सभी दीवार पे एक ही हाइट करेंगे ताकि चारों ओर देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों जो जो भाई लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटा वाला आइकन को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि इसी तरीके की इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों ओर मार्क कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे बेड स्विच और एसी ऑपरेटिंग स्विच बोर्ड के लिए मार्क करना बाकी है। तो यहाँ पे सही तरीके से स्ट्रेट लाइन में कलर करने के लिए धागा के एक छोर में कुछ भारी चीज़ को बांध लेंगे। कुछ इस तरीके से बांधने के बाद हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर पहले की तरह धागा को खींच के छोड़ देंगे ताकि कलर अच्छी तरीके से दीवार पे लग जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और यहाँ टॉप पे जहाँ फैन बॉक्स या कॉन्सील बॉक्स है वहाँ पर धागा को हम पिन की मदद से पहले मार लेंगे, उसके बाद दीवार के साइड मेजरमेंट करके धागा को खींच लेंगे। सही से काम करने या करवाने के लिए एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से देखना है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर जितने भी हमको कलर करना है वहाँ पे धागा की मदद से कलर कर चुके हैं। नेक्स्ट PVC वॉल प्लग साइज के बिट लेंगे, बिट को मशीन में सेट करेंगे, मशीन का मोड को हेमा ड्रिल पे सेट करना है। नेक्स्ट प्लग इन करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ पर हम मार्क किए थे वहाँ पर ड्रिल कर लेंगे, लेकिन याद रहे एक होल से दूसरे होल की डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हम हर ड्रिल 1.5 फीट डिस्टेंस में कर रहे हैं। आप चाहो तो 2 फीट में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको कैसिंग अच्छी तरीके से कैसिंग दीवार पे नहीं बैठेगा और उसका लाइफ भी ज़्यादा नहीं होगा। और एक बात, आपको ड्रिल ज़्यादा गहरा नहीं करना है, नहीं तो आपका PVC वॉल प्लग या लकड़ी का वॉल प्लग ज़्यादा अंदर चला जाएगा और स्क्रू टाइट भी नहीं लेगा, तो इस काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका ड्रिल में जो होल मेजरमेंट का स्केल रहता है उसको लगा सकते हैं और ड्रिल बिट में वॉल प्लग की मेजरमेंट ले करके ब्लैक टेप मार देना है, ताकि समझ में आए ड्रिल बिट को दीवार में इतना अंदर तक डालना है। तो दोस्तों इस घर में पहले अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग के लिए वॉल कटिंग हुआ था, यहाँ पे बोर्ड भी बैठ चुका था, लेकिन कौन सी कारणों की वजह से यहाँ पे अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग से केसिंग बिट हाउस वायरिंग करना पड़ा, ये सब कुछ जानने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके का इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि इसी तरह वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिले।
तो दोस्तों यहाँ पे टॉप पे आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करना है, हर एक ड्रिल को 1.5 फीट का अंदर रखना है क्योंकि यही सबसे पहले लटक जाता है, उखड़ जाता है। तो फाइनली हम धागा से जहाँ जहाँ पे मार्क किए थे वहाँ पे ड्रिल कर चुके हैं। कुछ इस तरीके का इसी डिस्टेंस में आपको ड्रिल कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मटेरियल लगता है कैसे मारने में। ये रहा पीवीसी वॉल प्लग, कहीं कहीं जगह पे इसको गुल्ली बोलते हैं। ये लकड़ी का भी आता है, पीवीसी का भी आता है, लेकिन ज़्यादातर पीवीसी का यूज होता है। और ये रहा केसिंग पिन, ये केसिंग मारने में यूज होता है। ये राउंड में है लेकिन ये फ्लैट में भी आता है। इसको तो आप सभी लोग जानते हैं, ये स्क्रूप है और उसका साइज है 35-60। तो पहले हम जहाँ जहाँ पे ड्रिल से होल किए थे वहाँ पे वॉल प्लग को मार लेंगे, फिर हमारा वॉल प्लग लगाने का झंझट नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके से मार लेना है। और हाँ, वॉल प्लग लगाना है तो पीवीसी का लगाए, लकड़ी का लगाएंगे तो कुछ जल्दी ख़राब हो जाता है, उसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है। और ये हम प्रेस्टो प्लस की केसिंग यूज़ कर रहे हैं और उसका साइज है 25x12 mm, और उसको 3/4 साइज का ही बोलते हैं। और एक आता है ज़्यादा बड़ा, 1 इंची का, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा, लेकिन हमारा इस घर का सर्किट इसी केसिंग में चला जाएगा। इसको खोलने का यही तरीका है, आप दोनों साइड में इसको ड्राइवर या टेस्टर की मदद से थोड़ा प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको दोनों हाथ में खींच लेना है कुछ इस तरीके का। एक एक केसिंग को खोल के रखेंगे ताकि हमको काम करने में आसान हो। केसिंग का कुछ इस तरीके के मेजरमेंट करके एक्स्ट्रा केसिंग को काट लेंगे, उसके बाद स्क्रू पर वासा ले लेना है। और हाँ, आपको यहाँ पे वासा जरूर यूज करना है, नहीं तो आपका केसिंग मजबूती के साथ नहीं बैठता है और दीवार पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। ये स्क्रू को थोड़ा सा ही हैमर मार के स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। सारी स्क्रू को एक एक करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे। और आपको भी पहले इसी तरीके से दीवार पे होल्ड करके उसके बाद ही केसिंग को मार लेना है। केसिंग लगा करके केसिंग का ऊपर नहीं होल्ड करेंगे, नहीं तो केसिंग का होल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मजबूती नहीं रहेगा। और ये रहा केसिंग पिन जिसको हम पहले देखे, कुछ इस तरीके से बिठा के हैमर की मदद से मार लेना है। उसके बाद एक लोहे का सेव लेकर के पूरी तरीके से मार लेना है। तो दोस्तों, इसी तरीके का ओपन कॉन्डिट वायरिंग, कॉन्सील वायरिंग, अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग, केसिंग विंड वायरिंग, इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल वाला आइकन ऑल पे सेट करके जरूर रखना ताकि वीडियो डालते ही आपके पास पहले पहुँच जाए। कुछ इस तरीके से एक एक करके सारे केसिंग पिन को मार लेना है, लेकिन सारे स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा केसिंग देख रहे हैं उसको काट के अलग कर लेंगे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इस रूम में सारे केसिंग को मारने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली सारा केसिंग को दीवार में हम इस तरीके से मार लिए हैं। इस दीवार के सेंटर में केसिंग को थोड़ा काट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्यूबलाइट और बल्ब के लिए एक बॉक्स देना है। बल्ब की पॉइंट इसकी ऑपोजिट दीवार पे था, लेकिन पार्टी का कहने का मुताबिक हम एक साथ कर दिए हैं। यहाँ टॉप पे फैन के लिए भी केसिंग मार चुके हैं। दीवार का सेंटर मेजरमेंट करके बॉक्स बिठा के सेंटर का केसिंग को थोड़ा काट लेंगे इस तरीके से। यहाँ सेंटर में जो होल दिख रहा है वो इस रूम का मेन लाइन आने के लिए, वो दीवार के उस साइड में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आएगा। फिर इस बोर्ड को बिठा के पेंसिल की मदद से मार्क कर लेंगे, उसके बाद ड्रिल मशीन की मदद से ड्रिल कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे डेटोन एसी के न्यूट्रल और फेज के लिए 4 mm की वायर यूज़ कर रहे हैं और बॉडी आर्क के लिए 0.75 की वायर यूज़ कर रहे हैं। और ये वायर कहीं से भी लूपिंग या ज्वाइंट नहीं होगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इस घर का वायरिंग का वीडियो टुक करके डाल देंगे, आप जाके जरूर देखना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, सी यू सून, मिलते हैं अगले एक पार्ट टू इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो में।